हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपका कॉम्पैक्ट गलती से टूट गया है तो आप उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये लैक्मे का एब्सोल्यूट कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैं इसे खोलकर आपको दिखा देती हूँ। ये नीचे गिरने की वजह से ब्रेक हो गया था, ये देखिए। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम कॉम्पैक्ट या आई शीट्स यूज़ करते हैं तो वो गिरने की वजह से टूट जाती हैं, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ इसे रिपेयर करने का, जिसमें कि मैंने रबिंग अल्कोहल बिल्कुल यूज़ नहीं किया है और बहुत ही आसानी से इसे रिपेयर करा है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक टिश्यू पेपर लूँगी। ये हार्ड टिश्यू पेपर है, आप चाहें तो कोई पॉलिथीन भी ले सकते हैं। अभी सारे फेस पाउडर के टुकड़े इस टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, जब आप इसे ऐसे ही रिपेयर कर सकते हैं तो आपको रबिंग अल्कोहल परचेज करने की क्या ज़रूरत है, और ये बहुत ही आसानी से रिपेयर भी हो जाएगा, अभी आप देखेंगे। तो हमने ये टिश्यू पेपर पर सारा फेस पाउडर निकाल लिया है। अब इस टिश्यू पेपर को एक साइड से पकड़कर फोल्ड कर देंगे ताकि ये जो फेस पाउडर है ये टिश्यू पेपर के बिल्कुल मिडिल में आ जाए। अब एक स्पून लेंगे और इसकी हेल्प से इसे बिल्कुल पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि जो ये पाउडर टुकड़ों में बना हुआ है अभी ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन जाना चाहिए। तो हम स्पून से इस तरीके से हल्का हल्का डैप करते हुए इसे पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये फेस पाउडर बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही आसानी से पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे लूज़ फेस पाउडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये फेस पाउडर एक कंटेनर में करके रख लेना होगा, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप ब्रश से इसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इस टिश्यू पेपर को खोल कर देखेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये एकदम पाउडर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम इसे वापस इसके बॉक्स के अंदर डालेंगे। तो ये बॉक्स मैंने यहाँ पर रख दिया है। आप टिश्यू पेपर के दोनों कोने पकड़ के आराम से फेस पाउडर इसके बॉक्स में डाल देंगे। आप स्पून से ही इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए इस तरीके से फैला लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये चारों तरफ फैल चुका है, गोल शेप में आ गया है बिल्कुल। आप अपनी फिंगर से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए सेट करना है। फेस पाउडर अपने बॉक्स के अंदर सेट हो चुका है अच्छे से। तो अब हम दोबारा से एक टिश्यू पेपर लेंगे और इसे डबल फोल्ड कर कॉम्पैक्ट के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। अब हम लेंगे रोज़ वाटर। यहाँ पर मैं आधा स्पून रोज़ वाटर यूज़ करूँगी इसे रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये हाफ टी स्पून रोज़ वाटर लिया है। अब इसे टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरीके से फैला देंगे और इसी टाइम बिल्कुल हल्का हल्का सा इसे स्पून से प्रेस करेंगे। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर ऐड नहीं किया है फेस पाउडर के अंदर, बल्कि उसे हल्का सा वेट किया है जिससे कि वो अपने बॉक्स के अंदर सेट हो सके। अब ये टिश्यू पेपर हटा देंगे। ये फेस पाउडर बहुत हल्का सा वेट हुआ है, तो अब इसे अपनी फिंगर से दोबारा एक बार और अच्छे से प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और आप देखेंगे जब आप इस बार अपनी फिंगर इस पर टच करेंगे तो जहाँ भी आप टच करेंगे वहाँ से एकदम स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि ये वेट हो चुका है हल्का सा। ये आप देख सकते हैं मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही सेट हो गया है, और ये इसके अंदर से बिल्कुल निकलेगा भी नहीं। मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये टिश्यू पेपर लिया है, अब इसके ऊपर मैं इसे गिराकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। ये जो आप हल्का हल्का पाउडर इस पर गिरता हुआ देख रहे हैं ये इसके बॉक्स में फंसा हुआ पाउडर है,
जो हमने पाउडर अभी सेट किया है अंदर वो बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से टैप भी कर रही हूँ प्रेशर के साथ भी, पर ये फेस पाउडर बाहर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये अच्छे से सेट हो गया है अपने बॉक्स में। तो देखा आपने कितनी आसानी से और बिना रबिंग अल्कोहल के आप अपना फेस पाउडर रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आई शेड्स या फिर ब्लश भी टूट जाए तो आप उसे इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें। और अगर आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।